सिर्फ 2 मिनट में आपने मैगी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन आज हम बिना ब्रेड, बिना छेना, बिना पनीर और बिना मलाई के हम सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से बिल्कुल बाजार जैसा महंगी मिठाई बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम ओखल में 4 इलायची डालकर इसे अच्छे से बिल्कुल इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे कूट करके इसका बिल्कुल बढ़िया और बारीक पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक इस तरीके से अब हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। यह मैंने सॉस पैन, आप कोई भी कढ़ाई या फ्राई पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल है वही बर्तन लें। और यहाँ मैंने सॉस पैन में 2 कप दूध डाली हूँ। दूध यहाँ मैंने फुल फैट क्रीम का यूज़ किया है, आप चाहे तो गाय का दूध भी ले सकते हैं। और अब हम गैस ऑन करेंगे और गैस को 20 से 25 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे, जिससे बर्तन हमारा दूध का जल्दी गर्म होगा। और अब हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और दूध हमारा हल्का गुनगुना हो गया है। हम इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने होल मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर या फिर डेरी वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं। और मिल्क पाउडर की जगह आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम मिल्क पाउडर डालकर दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे मिल्क पाउडर दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और दूध हमारा बहुत जल्दी और इंस्टेंट गाढ़ा हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डालेंगे। इलायची डाल करके हम दूध में फिर से एक बार अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कंटिन्यू बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे दूध के सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं दूध हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ गया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे या फिर आप इसकी जगह मीडियम भी रखें। और अब हम इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हल्दी पाउडर सभी के घर पे इजीली अवेलेबल होता है, तो यहाँ मैंने 1 चुटकी हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। हल्दी पाउडर से बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब यहाँ हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पिस्ता, काजू और आलमंड को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। चॉप ड्राई फ्रूट को दूध में डालेंगे और अब हम दूध में ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं दूध में ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गया है। और हम इसे 20 से 25 सेकंड के लिए इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे, जिससे दूध का फ्लेवर ड्राई फ्रूट में अच्छे से आ जाएगी। और अब हम इसमें इस टाइम पे चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी का यूज़ किया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालकर हम दूध को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और जब तक दूध पक रही है, हम एक प्लेट लेंगे और अब हम इस प्लेट के ऊपर एक एक रसगुल्ला लेंगे और रसगुल्ले को इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। न्यू ईयर पे मेरे घर पे काफ़ी सारे मिठाई आई थी, जिसमें से रसगुल्ला बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाया जाए। तो ये रेसिपी मैंने आप सभी के साथ इसीलिए शेयर किया तो कि आपके भी घर पे जब इस तरीके से ढेर सारे रसगुल्ले या वाइट वाले मिठाई बच जाए, तो आप इसका झटपट से इस तरीके से रसमलाई बनाएं। ये घर पे बच्चे हो, बड़े हो या आपके मेहमान हो, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतनी स्वादिष्ट और सॉफ्ट रसमलाई घर पे बनाई है। और अब हम एक एक करके सारे रसगुल्ले को दूध में डालेंगे और दूध में डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और अब हम इसे चम्मच से एक बार अच्छे से रसमलाई में सारे रसगुल्ले को मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं रसगुल्ले को दूध में डाले मुश्किल से अभी 10 से 20 सेकेंड ही हुए हैं और रसमलाई का कलर रसगुल्ले के ऊपर बहुत अच्छे से आ गया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम रसमलाई को ठंडा होने देंगे।
और ये लीजिए रसमलाई हमारी ठंडी हो गई है और अब यहाँ मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और इसे बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए यहाँ मैंने इसके ऊपर केसर के धागे डाले हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ईजी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी लाती रहूँगी। और इस तरीके से आप रसमलाई घर पे ज़रूर बनाएं। आपके घर पे गेस्ट हो या आपके घर वाले, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट रसमलाई घर पे बनाई है। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।